गाइस अगर अब इस थामले और इस टाइटल को देख के भी इस वीडियो में क्लिक किया इसका मतलब आप डब्ल्यू के सच्चा फैन हो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे डब्ल्यू के पांच ऐसे मैचेस के बारे में जब रेसलर अपने ओपोनेंट को बीट करने के लिए ट्रिक किया और चालाकी से मैच में जीत हासिल की तो देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं गाइस 2015 में समर भर से के बीच एक मैच होने वाली थी लेकिन उस समय पेच, बिला बिला पेच के ओपोनेंट थे बेल टूंस और इसलिए मैच होने से पहले बेलर ट्विंस पेज के लॉकर रूम से कपड़े चोरी कर लिए ताकि पेच मैच को ना खेल पाए और इसके बाद पेच अपने लॉकर रूम से बाहर आए और एक सफ़ेद टॉल पहन गए और कपड़े ढूंढने की कोशिश की लेकिन कपड़ों तो नहीं मिला लेकिन पेच के दिमाग में एक आइडिया आई और एक लड़की से कपड़ा ले लिया और, और वो कपड़े पहन गए मैच लड़े बट इस मैच में पेज समारे को बीट किया और मैच में जीत हासिल की गाइस 2010 में डब्ल्यू डब्ल्यू की पेपर हुई एक्सट्रीम रूल से हुआ था एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जॉन्सना वर्सेस द एनिमल बटिस्ता के बीच डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए और इस मैच में रूल्स ये थी कि रेफर के टेन को करने से पहले ही रेसलर को अपने पैर में खड़ा होना पड़ेगा लेकिन जोसना बहुत बुद्धिमान थे और इसी बहुत ही चालाकी की और इसलिए बटिस्ता के दोनों पैर एक टेप से रिंग पोस्टर बांध दिया ताकि बटिस्ता रेफरी के टीम काउंट करने से पहले खड़ा ना हो पाए और इस ट्रिक से जॉनसन इस मैच को बटिस्ता को बीट किया गाइस एक बार डब्ल्यू डब्ल्यू की एक एपिसोड हुआ था इंटर कॉन्टिनें चैंपियनशिप के लिए मैच एथलीट द बिग शो वर्सेस कोडी रोड्स के बीच और ये थी एक टेबल्स मैच और इस मैच रूल्स ये थी रेसलर अपने ओपोनेंट को टेबल के ऊपर पटकेगा वो इस मैच के विनर होगा लेकिन विक्शो बहुत मोटा है और कोडी रोड्स वृक्ष को नहीं उठा सकता टेबल के ऊपर लेकिन कोडी थे बहुत इंटेलिजेंट और इसीलिए तो रिंग साइड पर एक टेबल को खड़ा कर दिया और इसके बाद एक मोन पे जैसी विक्षो रिंग सेट से नीचे आए बस टेबल टूट गई और इस मैच में कोडी रोड्स बन गए न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियन लेकिन आइडिया बहुत ही गजब था

कि केविनवेंस का आखरों सही सलामत है और डी नंबर उसके किग सीधा जाकर लगा था केविनवेंस की पेट में गाइस एक कहावत है जैसे करनी वैसे भरनी और बिल्कुल ऐसे ही हुआ जॉन जॉनसिना के साथ क्योंकि दो हज़ार तेरह में जॉनसिना भारत से रेंडी ऑर्डेन के बीच में टीएलसी प्यरो में एक मैच हुआ था वर्ल्ड हैबियट चैम्पियनशिप के लिए और इस मैच के गेंद में रैंडी ऑर्टेन जॉनसिना को एक हैंडकप से रिंग रोप पे बांध दिया और बन के न्यू वर्ल्ड हैबियड चैंपियन मतलब जॉनसन ने जो पहले किया था बातिस्ता के साथ वही हुआ खुद के साथ